नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo K10 5G वर्सेस Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो K10 5G में 6.45 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि K10 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो K10 5G में 2.96 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो K10 5G में 0.31 इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि K10 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो K10 5G में 190 ग्राम जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो K10 5G में IPS LCD जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो K10 5G में 6.56 इंचेस जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन K10 5G में 720x1612 और GT Neo 3 5G 150 वॉट में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो K10 5G में 84.46% जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 87.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो K10 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो K10 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 3 5G 150 वॉट की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो K10 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT Neo 3 5G 150 वॉट की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो K10 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और GT Neo 3 5G 150 वॉट में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो K10 5G में Mali-G 57 MC2 जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो K10 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 और GT Neo 3 5G 150 वॉट में MediaTek Dimensity 8100 मिलता है। बात करें RAM की तो K10 5G में 8GB जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 12GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो K10 5G में 128GB जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो K10 5G में अप टू 1TB जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी K10 5G में 5000 mAh जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो K10 5G में दो कलर्स जबकि GT Neo 3 5G 150 वॉट में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो K10 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें GT Neo 3 5G 150 वॉट की तो वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT Neo 3 5G 150 वॉट आगे है। मेन कैमरा में GT Neo 3 5G 150 वॉट आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में GT Neo 3 5G 150 वॉट आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A52 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 16 Premier है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।